गोरखपुर में आगामी त्यौहार और 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से एहतियातन एसएसपी ने पुलिस के आला अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने का आदेश दिया है। पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की अध्यक्षता में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा शाखा प्रभारियों की बैठक आयोजित कर अपराध की समीक्षा की है। साथ ही अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और त्यौहार के मौसम तथा 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतें। इसके साथ ही जमानत पर छूटे अपराधियों, बदमाशों तथा हिस्ट्री शीटरों की अपडेट सूची बनाने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, सीसीटीवी सभी थाना उसमें लगा हुआ है, फॉलो करें। चिल्वा ताल है नॉर्थ में, नोट करें नॉर्थ पर। पहले वाली लिस्ट बातें होने नहीं हो रही बाकी यार, बड़ा कोर्स क्यों नहीं चलाते, मुझे भी नहीं समझ आता है। लीडर सेक्शन एक भी कोर्स नहीं, पड़ोस में बैठे हुए पढ़ाएंगे बैठे हुए ये मासिक क्राइम कम लॉ एंड ऑर्डर समीक्षा बैठक है और त्योहारों और 15 अगस्त इत्यादि को लेकर के खास तौर से मीटिंग बुलाई गई, जिससे कि आगे आने वाले एक हफ्ता जो है सुरक्षित और अच्छे से पुलिसिंग की जाए। ज़्यादातर फोकस यही किया गया कि 15 अगस्त है और जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 370 भी खत्म हुआ है, इसको लेकर के भी संवेदनशीलता बरतनी है। बकरीद और सोमवार एक साथ पड़ रहा है, उसको लेकर संवेदनशीलता है और इसी के लिए मीटिंग कॉल करके थानेदारों, चौकी अफसरों सबको ब्रीफ किया गया है और कोशिश है हमारी कि गोरखपुर पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से सभी तरह के त्यौहार मनाएगा।